नहीं, कोई भी व्यक्ति जिस भाषा में लिखता है या जो उसकी अपनी भाषा है उसके बारे में क्या कहेगा सिवा इसके कि वो मेरी चेतना है, मेरा जीवन है, मेरी संवेदना है। और बाकी क्या होता है उसे लेकर के दुनिया में क्या राजनीति होती है, क्या सरकार क्या सोचती है और लोग क्या सोचते हैं, ये मेरे लिए इतना महत्व नहीं रखता है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हिंदी ही नहीं किसी भी भाषा को और सभी भारतीय भाषाओं को समान स्थान मिलना चाहिए। और वो हाँ, लेकिन अंग्रेजी उनका स्थान नहीं ले सकती, ये जरूर मेरी धारणा है, क्योंकि उससे हमारी प्रतिभा कहीं न कहीं कुंठित होती है। बहुत सारे ऐसे लोग नहीं, हो सकता है कुछ लोग बहुत अच्छे अंग्रेजी जानते ही हैं, लेकिन अपनी भाषा में अपनी संवेदना को व्यक्त करना, अपनी भाषा, क्योंकि आप अपनी भाषा के बिना अपने को समझ नहीं सकते। आप जब एक भाषा में होते हैं तो आप एक पूरी संस्कृति में होते हैं, और इसलिए और जितनी हमारा भारतवर्ष तो एक तरीके से इतना बहुभाषी देश है और उसमें हर भाषा की अपनी विशिष्ट सुगंध है, हर भाषा का अपना एक खास मुहावरा और एक खास संस्कृति है जो उस मुहावरे में व्यक्त होती है। तो सभी को अपनी भाषा में लिखना चाहिए और आपस में मेलजोल के लिए, आपसी बातचीत के लिए मैं समझता हूं कि हिंदी एक उपयोगी माध्यम उसके लिए हो सकती है। तो अगर लोगों को स्वीकार हो तो हिंदी को उपयोगी माध्यम बनाना चाहिए। अंग्रेजी वो कभी भी इसलिए नहीं हो सकती, वो केवल खास एक पढ़े लिखे वर्ग की भाषा ही रहेगी हमेशा, वो कभी सामान्य जन की भाषा हिंदुस्तान में नहीं बन पाएगी। अगर 200 साल में नहीं बन पाई है तो अब भी नहीं कर, तो वो अब व्यापार की भाषा हो रही है। लेकिन आप देखिए सारी अंग्रेजी कंपनियां आजकल भारतीय भाषाओं में विज्ञापन निकालती है, अंग्रेजी का चैनल चल रहा है उसमें हिंदी में विज्ञापन आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर भारतीय जन तक आपको पहुंचना है, बाजार को भी पहुंचाना है, तो आप उन्हीं की भाषा के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। इसलिए मैं हिंदी की बात कम करता हूं, वो मेरी भाषा है इसलिए ठीक है मैं उसमें लिखता हूं, लेकिन मैं भारतीय भाषाओं की बात अधिक करता हूं और प्रत्येक भाषा का मैं समान महत्व मानता हूं। और इस बात की मुझे बहुत चिंता है जो अभी गणेश देवी ने अपने रिसर्च में, और केवल ऑफिशियल भाषाओं की नहीं कह रहा हूं, अन्य जो छोटी छोटी इलाकों में बोली जाने वाली भाषाएं हैं उनका भी उतना ही महत्व है, क्योंकि वो उनमें एक जीवन है। और अगर एक भाषा मरती है तो समझिए एक संस्कृति मरती है। अभी जो गणेश देवी ने कुछ अरसा पहले, करीब 2 साल हो गए शायद, जो एक उन्होंने अपना सर्वे प्रकाशित करवाया था जिसके अनुसार हिंदुस्तान में आजादी के बाद 220 भाषाएं मर गई। अब आप कहेंगे ये सब मलयालम, कन्नड़, हिंदी, मराठी, उर्दू, ये सब तो जिंदा है, पर वो उन भाषाओं की बात नहीं कर रहे हैं। वो उन भाषाओं की बात कर रहे हैं जो बहुत छोटे छोटे इलाकों में बोली जाती थी। तो और इस तरह के बहुत, तो एक तरह से ये मानवाधिकार का सवाल ही बनता है, संस्कृति का सवाल ही बनता है। और प्रत्येक व्यक्ति जब अपनी भाषा को भूल जाता है, यानी वो समाज अपनी भाषा को भूल जाता है, तो वो समाज एक समाज नहीं रह पाता है। उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो डेवलपमेंट पॉलिसीज हैं वो भी एक बड़ा उसका कारण बनी है, जो रिसर्च हुई उसके बारे में उसके अनुसार। तो इसलिए मुझे लगता है कि हर भाषा का समान महत्व है, जैसे हर संस्कृति का समान महत्व है। तो हिंदी का ही सवाल नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा में अपने को व्यक्त करने की, और जो बात वो अपनी भाषा में कह सकते, बहुत से लोग किसी दूसरी भाषा में बोल ही नहीं सकते, तो क्या वे मनुष्य नहीं है? क्या उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? ये व्यवस्था का, सरकार का काम है कि वो उनकी भाषाओं को समझे कि वो उसमें क्या कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं, क्या उनकी इच्छाएं हैं, क्या उनकी आकांक्षाएं हैं, क्या उनकी अपेक्षाएं हैं। अगर कोई आदमी अपनी अपेक्षा हिंदी, अंग्रेजी या किसी, जिसे हम कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेज, उसमें व्यक्त नहीं कर सकता, तो क्या वो व्यक्ति अपनी आकांक्षाएं नहीं रखता है? क्या वो भारत का नागरिक नहीं है? क्या उस दुनिया का नागरिक नहीं? तो भाषा को तो मैं चेतना मानता हूं, वो मनुष्य की चेतना है।